रहे हैं दारवा रिपोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर अज़ीम नाइक। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पेश और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त की बुरी खबर जो है ज़िला किश्तवाड़ के वारवा एरिया से सामने निकल के आ रही है। साफ तौर पर तस्वीरें जो हैं आप मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये घर जो हैं आग के चपेटे में आ गए, आग से झुलस कर राख हो गए। जो आज तक लोगों के आशियाना थे वो आज खाकसर हो गए हैं। उनकी तब्दीली जो है वो अब खाक में हो गई है। बखूबी आप जो है इन तस्वीरों में देख रहे हैं और बहुत ही दुखद खबर जो है इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के वारवा एरिए से सामने निकल के आ रही है। नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि एक घर को आग लगने के बाद जो है कम अज़ कम 70 घर जो हैं इस आग के लपेट में आते हैं और पूरे यूँ मान लीजिए कि इस नन्हे से इस प्यारे से गांव को खाकसर कर देते हैं। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली और दर्दनाक तस्वीरें जो हैं वो वारवा एरिया से सामने निकल के आ रही हैं। नाज़रीन, बहुत ही दुखद खबर है जो कि ज़िला किश्तवाड़ के वारवान एरिया से सामने निकल के आ रही है। इंसान देखते ही जो है डर जाता है, ऐसी तस्वीरें देखता है। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। नाज़रीन, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगों की जो है जितना हो सके उतनी मदद करें, क्योंकि इन लोगों का आशियाना जो है वो उजड़ गया है। जिस घर में ये आज तक अपना सर छुपाते थे, अब इन लोगों से जो है वो सर छुपाने वाली जगह जो है वो छिन चुकी है। ये आग के लपेटे में आ गए हैं और आग ने इनके आशियाने को जुलस कर रख दिया है। नाज़रीन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर जो है इंसान डर जाता है और कांपने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। आखिर मैं यही बताना चाहूँगा कि इन लोगों के लिए जितना हो सके उतनी मदद करें, जैसे हो सके वैसे इनकी मदद करें। फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।